चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से अगली खबर है, एक ही कॉलोनी में दो अवैध इमारतों को सील किया जा रहा है। जेटी के प्रवर्तन दस्ते की ओर से सील की कार्रवाई। पृथ्वीराज नगर उत्तर प्रथम जोन में सिरसी रोड का ये पूरा मामला और सिरसी रोड स्थित राम विहार कॉलोनी का मामला। जेडीए के बिना स्वीकृति के आवासीय पट्टों के विपरीत निर्माण किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फर्स्ट ऑन फर्स्ट, एक ही जगह एक ही कॉलोनी दो निर्माणों को सील किया गया। भूखंड संख्या 9B में बेसमेंट ग्राउंड प्रथम द्वितीय और कुल चार मंजिल का निर्माण किया गया विदाउट परमिशन भी। इस अवैध कमर्शियल इमारत को सील किया जा रहा है और इसके अलावा भूखंड संख्या 8A/8B में बेसमेंट ग्राउंड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कुल छह मंजिला निर्माण कर लिया गया। इस अवैध निर्माण कमर्शियल इमारत को भी सील किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुट के। अभिषेक, दो सील की कार्रवाई हो रही है सिरस रोड स्थित राम विहार कॉलोनी के भीतर, क्या हिस्ट्री है और किस तरह से कार्रवाई हुई है आज? एक ही कॉलोनी में दो अवैध इमारतों को सील किया जा रहा है जो कि कमर्शियल नेचर यूज के हिसाब से बनाई गई थी और स्थानीय लोगों की शिकायत मिली थी जेडीए के प्रवर्तन दस्ते को। उसके बाद एग्जामिन कराया गया, नोटिस दिया गया और उसके बाद आज सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। एक प्लॉट पर बेसमेंट ग्राउंड और ऊपर के दो मंजिले बना के इस तरह से कुल चार मंजिला निर्माण किया गया था, जबकि जेडीए से पट्टा आवासीय जारी था, उसके बावजूद इस तरह का कमर्शियल निर्माण किया गया था। इसी तरह से दूसरे प्लॉट की अगर हम बात करें तो उसमें बेसमेंट ग्राउंड और जो है चार मंजिला निर्माण किया गया था। इस तरह से कुल छह मंजिला निर्माण, प्रद निर्माण जिसे कहते हैं, वो किया गया था। उसकी जेडीए ने नोटिस दिया और उसके बाद आज को सील किया जा रहा है, क्योंकि बिल्डिंग बायलॉज ये कहते हैं जो जयपुर में लागू है कि जेडीए बिल्डिंग बायलॉज के तहत परमिशन आवश्यकता है। जेडीए नक्शे पास करता है, उसके बाद इस तरह का निर्माण किया जा सकता है। और इसमें बड़ी बात यह भी है कि इसमें आवासीय पट्टे जारी थे, तो आवासीय भूखंड पर इस तरह से कमर्शियल निर्माण किया गया था, जबकि जो है कमर्शियल निर्माण से पहले इसका लैंड यूज चेंज कराना होता है। लैंड यूज चेंज भी तभी हो सकता है कि जब मास्टर प्लान या जोनल प्लान में उसके अकॉर्डिंग यूज अलाउ हो, उसके अलावा आप और कोई यूज उस प्लॉट का नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अवैध रूप से कमर्शियल निर्माण किया गया था, इसके चलते जेडीए की ओर से आज इसको सील किया जा रहा है और इसके जो गेट है, जो भी प्रवेश स्थान है, वहां पर ईंटों की दीवार बनाई जा रही है और ताले गेटों पे ताले लगाए जा रहे हैं, चपड़ी से सील किया जा रहा है और उस पर लिखा जा रहा है लाल अक्षरों से बड़े बड़े की जेडीए की ओर से सील, और आज की तारीख डाली जा रही है। ये पूरा काम मौके पे किया जा रहा है और एक ही कॉलोनी के ये दो बड़े निर्माण थे जिन पर आज जेडीए ने कार्रवाई की है। जी ठीक है अभिषेक, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पृथ्वीराज नगर उत्तर प्रथम जोन में सिरसी रोड का ये मामला।